नमस्कार, रागगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जो जब सिर्फ 3 साल के थे तो उनकी दादी जो गाती थी वो उसको हूबहू गा के सुना देते थे। जब 10-11 साल के हुए तो स्टेज से प्रस्तुतियां देना शुरू किया, और प्रस्तुति भी कोई 15-20 मिनट की नहीं बल्कि घंटों घंटों की। एक ऐसे कलाकार जिनको पंडित भीमसेन जोशी जी, जिनको गंगूबाई हंगल जी जैसे महान कलाकारों ने कहा वंडर बॉय, और वही वंडर बॉय आज पंडित संजीव अभ्यंकर के नाम से जाने जाते हैं। पंडित संजीव अभ्यंकर का मैं स्वागत कर रहा हूं रागगिरी के YouTube चैनल पर। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शिवेंद्र जी, मुझे भी बहुत खुशी है रागगिरी के YouTube चैनल पे आपने मुझे इनवाइट किया इसकी। तो संजीव जी, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे जुड़ रहे हैं रागगिरी के यूट्यूब चैनल के मार्फत के जरिए से। और पहली शुरुआत तो यहीं से करते हैं कि ये 3 साल की उम्र में दादी की गायकी को हूबहू दोहरा देना ये कैसे संभव हो पाया, ये तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्या कुछ याद आता है, क्या कुछ बड़े बुजुर्ग बताते हैं घर के आपको उन दिनों की यादों को ताजा करके? अब मैं 3 साल की उम्र में उन चीजों को कैसे सुर में गाता था, इसका एक ही रीजन मुझे मिलता है कि शायद ये पिछले जन्म में जो मैंने मेहनत की थी उसका ही फल था। और सबसे पहले जो मुझे मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि उनकी एक मेमोरी, मेरे पीडियाट्रिशियन के टेबल पे एक दिन मैंने माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे चातेरी बाप आणी आई माझी विठ्ठल रखुमाई माझी विठ्ठल रखुमाई माझे माहेर पंढरी माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे चातेरी आहे भीवरे चातेरी। ये पंडित भीमसेन जोशी जी ने गाया हुआ जो अभंग है उसको मैंने गाया, और मेरे पीडियाट्रिशियन भी बहुत अचंभित हो गए कि कितना सुर में गाता है लड़का। वो मुझे पंडर ही बुलाते थे जब मैं उनके पास जाता था। सो, ये उसका एक ही कारण है कि शायद ये पिछले जन्म की मेहनत का फल उस वक्त था जो मैं वैसे करता था। और बाद में फिर मैंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया मेरी माँ, क्योंकि मेरी माँ जो है वो संगीत में डॉक्टरेट की हुई थी, डॉक्टर शोभा अभ्यंकर, वो एमएससी बायोकेमिस्ट्री भी किया था उन्होंने। और बाद में उन्होंने पूरे पंडित गंगाधर व पिंपळखरे सर, जो ग्वालियर और किराना घराने के बहुत ही जाने माने गुरु पूना से थे, उनके पास उन्होंने 17-18 साल सीखा गाना। और माने बाद में मेरे गुरुजी पंडित जसराज जी से भी गाना सीखा। एक्चुअली मेरे पहले वो शुरू हुई 1981 में, मेरी माँ पहले मेरे गुरुजी की शिष्या हुई, बाद में 1983 में जब मैं 13 साल का था तो मैं उनका शिष्य बना। लेकिन मेरी माँ की वजह से जेनेटिकली मेरे अंदर गाना था, मेरी माँ की माँ मेरी नानी भी गाती थी। सो यही कारण है कि जेनेटिकली इंक्लाइंड था मैं म्यूजिक में, और एक पिछले जन्म की साधना, ये दोनों का मिलके उस अर्ली उम्र में मैंने सुर में गा के दिखाया, इंटरेस्ट भी दिखाया। फिर मेरी जो चाहत थी वो एकदम क्लासिक चाहत थी, मतलब क्लासिकल भी थी, और जैसे मैं जो भी उस वक्त सुनता था तो रागों के रिजेम्बलेंस मुझे समझ में आते थे। बोले रे पपीहरा पपीहरा, पंडित कुमार जी गंधर्व जी का मियां मल्लार चल रहा था, तो मैंने माँ को कहा कि माँ ये बोले रे पपीहरा जैसा है, तो रागों के रिजेम्बलेंस। फिर डॉक्टर प्रभात्र जी का वो जो एकदम फेमस उस वक्त का एक एलपी था मेरे बचपन का, जागो में सारी रहना बलमा रसिया मन लागे मोरा, मारू बिहाग और कलावती, तो मैं वो माँ को कहता था वो एलपी मुझे लगा के दो, उसको सुनता था। सो नेचुरल इंटरेस्ट मेरा वो बचपन से पेरेंट्स को दिख गया। संजीव जी, हम उस किस्से को जानने में भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं कि आप 10-11 साल की उम्र में स्टेज पर बैठे और आपने तकरीबन 2 घंटे गायकी संभाल के रखी, कैसे संभव हुआ था वो, और क्या याद है वो कार्यक्रम अभी आपको पूरी तरीके से?
जब मैं 11 साल का था तो मेरी माँ 1981 में गुरुजी से सीखने लगी, क्योंकि उनको गुरुजी का गाना बहुत अच्छा लगता था, वो गायकी बहुत अच्छी लगती। तो माँ को उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने बताया कि शोभा तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम लेट आई हो मेरे पास। माँ की उम्र कंपेरेटिवली, उन्होंने कहा मैं इतनी लेट उम्र में लेता नहीं हूँ, क्योंकि 81 में मैं 11 साल का, मतलब माय मदर वाज 35 इयर्स ओल्ड, तो 35 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि फिर मुझे उसके बाद 8-10 साल डालने हैं, फिर तुम उसके बाद गाओगी, तो मैं इतनी लेट एज में लेता नहीं हूँ स्टूडेंट्स को, बट तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है, मैं तुमको सिखाऊंगा। तो वैसे उनका शुरू हुआ, और वो उसके बाद 2 साल का जो टाइम था 82-83, उसमें मैंने बाहर बहुत जगह गाया, और एज अ चाइल्ड प्रोडजी कहना चाहिए कि धूम मचाई। ऐसा ही हुआ क्योंकि उस जमाने के जो सबसे नामचीन और जिनका वर्ड, जिसको हम कहते कि फाइनल वर्ड, जैसे जो कलाकार थे, हीरा भाई पडुदीकर जी, हीरा भाई पडुदीकर जी मतलब पंडित भीमसेन जोशी जी और मेरे गुरु जी की भी बहुत सीनियर, ये लोग उनको प्रणाम करते थे। सो हीरा भाई पडुदीकर जी ने उनके घर में मेरा गाना 3 बार किया, लगातार 3 साल मेरा गाना उन्होंने किया, गणेश फेस्टिवल में उनके घर में प्रोग्राम होता था। और हीरा भाई जी ने मेरे पेरेंट्स को कहा कि संजीव का जन्म गाने के लिए हुआ है, उसको बाकी कुछ मत करने दीजिए। वहां से शुरुआत हुई। फिर भीमसेन जी ने मेरा गाना सुन के कहा कि ये तो संत ज्ञानेश्वर जी के कुल का है, मतलब प्रोडिजियस टैलेंट, महाराष्ट्र के जो ज्ञानी संत थे जिन्होंने 21 साल की उम्र में समाधि ली, तो ये तो उस कुल का है। तो इतनी सारी बातें हुई। श्रीमती गंगूबाई हनगल जी, पद्म विभूषण गंगूबाई हनगल जी ने मुझे कुंदगोल में सवाई गंधर्व महोत्सव होता है कर्नाटक में, वहां 2 बार गाने के लिए बुलाया, बहुत प्यार करती थी। तो बहुत उस जमाने के लीजेंडरी आर्टिस्ट ने मेरे पेरेंट्स को कहा कि संजीव का जन्म गाने के लिए हुआ है, उसको दूसरा कुछ मत करने दीजिए। सो आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज, अगर मैं ये नहीं करता तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आराम से बन सकता था, और अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता व्हेन आई लुक बैक, क्योंकि मैंने बीकॉम किया है तो आई अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। तो ऐसे बैकग्राउंड लेके जब मेरा कुंदगोल के सवाई गंधर्व का गाना हुआ तो उसकी तारीफ गुरुजी ने सुनी, और उन्होंने माँ को पूछा, सुना तुम्हारा लड़का बहुत धुआंधार गा रहा है। तो मेरी माँ ने तब तक उन्होंने माइंड बनाया था, क्योंकि मेरी जो गाने की प्रकृति थी, स्वभाव था उस उम्र का, वो गुरुजी से बहुत मिलता था, तो स्वभाव मिलना चाहिए, सांगीतिक प्रकृति, स्वभाव मतलब व्यक्ति का स्वभाव नहीं, सांगीतिक स्वभाव मिलना चाहिए। तो माँ को मालूम था कि मेरा सांगीतिक स्वभाव जो है वो गुरुजी से के गाने से मिलता है। सो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ली और उनको पूछा कि आप सुनेंगे क्या संजीव का गाना। सो सितंबर 1983 में गुरुजी ने मेरा सामने बैठ के गाना सुना, और पहले वाक्य कहा कि अरे क्या कमल का बेटा पैदा किया है तुम लोगों ने, और ये तो तीसरे जन्म का गाना गा रहा है, पिछले 2 जन्म ये गा चुका है और ये तीसरे जन्म में गा रहा है, गवैया पैदा किया, ऐसा मेरे सामने ही सब चर्चा हो रही थी। बट मैं उसको सिखाऊंगा तो पहले तो उन्होंने यही बात पूछी कि पूना में पंडित भीमसेन जोशी जी है, पूना में पंडित जितेंद्र अभिषेक जी है, इतने बड़े कलाकार है, आप बॉम्बे क्यों भेज रहे हो मेरे पास? क्योंकि बॉम्बे में जाना, यहां से फिर पूरा रहना, इट वॉज अ मच मोर एफर्ट्स देन, यहाँ तो पूना में मुझे घर बैठ के सीखना मिलता। लेकिन माने का नहीं, नहीं, अगर आप सिखाएंगे तो ही वो पूरा समय गाना करेगा, क्योंकि उसकी गाना जो है वो आपके गाने के स्वभाव का गाना है। सो ही वॉज वेरी हैप्पी, कहा कि लेकिन ये एकेडमिक्स में कैसा है, इंजीनियर वगैरह बन सकता है? तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि आराम से बन सकता, तो बोले नहीं नहीं, नहीं। इसका जन्म तो गाने के लिए हुआ है, आप अभी डिसाइड करो, अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो फुल टाइम करना पड़ेगा, उसको कोई अटेंड करने का समय मिले या नहीं मिले कॉलेज, कोई ऐसा नहीं हो कि उसको, मतलब साइंस स्ट्रीम का कुछ भी जो उसको टाइम बांध के लिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने तो ऑलरेडी डिसाइड किया था कि मैं फुल टाइम, अगर गुरुजी हाँ बोलते हैं तो मैं फुल टाइम करूँगा। तो फिर इट वॉज डिसाइडेड, मैं 9th ग्रेड में था जब डिसाइड हुआ कि मैं पूरा समय जो भी होगा मेरे गाने में होगा। सो जस्ट टू हैव अ डिग्री मैंने बीकॉम किया, लेकिन जैसे लोकमान्य तिलक साहब ने रस्ते में लैम के नीचे पढ़ाई की, तो मैंने सेकंड क्लास में, ट्रेन के सेकंड क्लास में ऊपर के बर्थ पे बैठ के, जो येलो लैम्प होता है ना, उसमें मैंने पूरी मेरी पढ़ाई की थी बीकॉम की। अपने आप कॉलेज जाने का मुझे इतना ब्रेक होता था, मैं पूरा गुरुजी के साथ बॉम्बे में रहता था, या तो जहां पे वो है वहां रहता था। मैंने उनको एटलीस्ट 4 से
मतलब 400 ओवर 400 कॉन्सर्ट्स, 400 से ऊपर कॉन्सर्ट्स में मैंने वोकल सपोर्ट किया, तानपुरा नहीं बजाया, मैंने वोकल सपोर्ट किया। बहुत सारा सीखा कैसे गाना कॉन्सर्ट में प्रेजेंट होता है, कैसे गाना एक के बाद एक बढ़ता है। तो इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी अंडरस्टैंडिंग दैट। तो मैं पूना में बीच बीच में आता था, कॉलेज जाता था लेकिन टाइम पास करने जाता था, लेक्चर्स में लिंक नहीं थी मेरी लेक्चर्स में क्या हो रहा है। सो आई यूज टू स्टडी ऑन माई ओन, ट्रेन में मैं पूरा मेरा स्टडी करता था और अच्छे मार्क्स लाता था। सो मेरे प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स को मालूम था कि मैं इसमें फुल टाइम कर रहा हूँ, सो मुझे एक्सक्यूज था। लेकिन कॉलेज के फ्रेंड्स, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए जब मैं पूना में रहता था, आई यूज टू गो बाकी के कॉलेज में जाके टू व्हीलर पे जाके घूमना वगैरह, जो एकदम कॉलेज स्टूडेंट्स की जो बातें होती है, कैंटीन में बैठ के इडली खाना, वो सब मैं करता था, लेक्चर्स में अटेंड नहीं करता था, आई यूज टू स्टडी ओनली ऑन माय ओन। अच्छा, आपकी शुरुआत तो संजीव अपने घर में अपनी माँ से ही हो गई, दादी भी आपकी गायकी से ही जुड़ी हुई थी, तो मेरा बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न ये है कि एक गुरु के तौर पर घर में ही कोई माँ सिखा दे या पिताजी सिखा दे और एक बाहर से गुरु के का आके सिखाना, क्या इसमें कोई फर्क है? और आज जब आपकी साधना को एक अच्छा खासा वक्त बीत चुका है, तब आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि गुरु का घर में ही होना, गुरु का आपके माता या पिता में से किसी एक का होना? माँ के रूप में मुझे घर में ही गुरु मिले, तो आपका जो सवाल है कि दोनों में क्या अंतर है, तो एक तो है कि घर में ही इतना सक्षम गुरु होना, इतनी, क्योंकि माँ ने बाद में पंडित वीरा आठोले जी से एडवांस्ड जो अप्रचलित राग बोलेंगे जिसको, कि उसकी एक अलग से तालीम भी ली, कि जो कितने सारे रागों के नाम भी मुझे मालूम नहीं थे, उसकी बंदिशें भी माँ को आती थी, सो कंपेरेटिव स्टडी के लिए उसका बहुत फायदा होता था। तो माँ एक विद्वान भी थी, अच्छी गायिका भी थी, अच्छी गायकी भी थी, उसकी खुद की भी बहुत अच्छी थी। लेकिन कैसा होता है कि जब मैं गुरुजी के पास, मतलब पंडित जसराज जी के पास गया, तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, सो उनसे तो कोई कंपेरिजन किसी के हो ही नहीं सकती है। तो मुझे आई गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, क्योंकि मुझे शास्त्र की चर्चा करने के लिए घर में एक बहुत विद्वान गुरु हर वक्त, वो बाद में भी, मतलब परपेचुअली, मेरी माँ 6-7 साल पहले गुजर गई, तब तक घर में ही मेरे पास एक, जिसको कहते हैं, जिस एक रेडीमेड गुरु घर में ही है सक्षम। और परफॉर्मिंग की जो बात है, उसके लिए तो मुझे पंडित जसराज जी के पास ही जाना था, वो क्योंकि माँ परफॉर्म करती थी, बट गुरु जी वॉज एन अनपैरेलल म्यूजिशियन, तो उनके साथ जो मुझे मिला वो तो वो माँ से मिलना संभव नहीं था। लेकिन कभी कभी होता कि गुरु जी को कुछ चीजें पूछते हैं तो वो संयमित तरीके से ही पूछनी पड़ती, लेकिन माँ के साथ मैं झगड़ा करके भी पूछ सकता था, मुझे कुछ राग स्वरूप ठीक नहीं लगा तो उसके साथ मैं फाइट भी कर सकता था, वो फाइट मैं मेरे गुरु जी से नहीं कर सकता था, मैं उनसे वन वे ट्रैफिक की तरह से पूछ सकता था कि ये ऐसा होता है क्या, इसमें आप करते हैं तो ये ऐसा क्यों करते हैं, ये होता है क्या, वो नहीं होता है क्या, और मैं समझता था कि उनका क्या, उनको क्या कहना है। लेकिन मेरी एक अपनी फाइनल, जिसको कहते हैं ये सब्जेक्टिव कला है ना, मतलब इसमें राग के रूप में भी काफी सारे वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बारीक बारीक चेंजेस इसके राग स्वरूपों में करते हैं, तो उसके मुझे 2-3 इंटरप्रिटेशन मिलते थे। एक जो मुझे पिंपल खरे सर से मैं सीखा था, माँ 17-18 साल से सीखी थी, गुरुजी के पास मैं इतने साल सीखा तो उनका एक इंटरप्रिटेशन, और माँ का विराट होले सर के पास जाने के बाद हुआ इंटरप्रिटेशन, तो हर इंटरप्रिटेशन मुझे ऐसे मिलते थे वेरी अलग अलग, जिससे मैं अपना खुद का एक इंटरप्रिटेशन बना पाया कि इस राग को ओके मैंने ऐसा सीखा है गुरुजी से, वो ऐसा गाते, लेकिन मुझे उसमें अगर ये एकाध कुछ चीजें अलग करनी है या नहीं करनी है तो मेरा अपना विचार है वो। लेकिन अपना विचार आने के लिए आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए, अदरवाइज वो आपकी वो क्षमता ही नहीं आती कि आप खुद का वो एडवांस लेवल पे विचार करें, जो आपको इतने सुयोग्य गुरुजी ने सिखाने के बाद भी उसके ऊपर आप कुछ सोच सकते हैं। इसके लिए आपको, मेरी माँ वॉज मच हेल्पफुल टू मी, सो दोनों एडवांटेज थे, दोनों जबरदस्त बातें थी। अगर मैं सिर्फ गुरुजी के पास सीखता तो शायद मैं आज जो गा रहा हूं वो गाता कि नहीं पता नहीं, और अगर मैं सिर्फ माँ के पास सीखता तो मैं गुरुजी के पास जाने की वजह से जो मुझे मिला वो मुझ में नहीं आता। सो आई गॉट बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, बोथ हैव देयर ओन एडवांटेजेस ओनली, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिसएडवांटेज।
सबके अपने अपने एडवांटेजेस है, जितनी विद्या जिस भी तरह से मिले, जितना थिंकिंग जितनी भी तरह से मिले, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। और उस सब का संकलन करके एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, सीखा देखा परखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई सिर्फ सीखा हुआ गाता है तो उसकी वो लिमिटेशन हो जाती है कि वो उसने देखा और परखा किया ही नहीं हुई है कि बाहर क्या चल रहा है, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, और भी कोई थॉट प्रोसेस है कि नहीं, या तो मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, वो हर एक फील्ड में ऐसा नहीं होता है। एवरीबडी हैज टू सी व्हाट द अदर पीपल आर डूइंग, किस तरह से हो रहा है, और फिर अपनी कल्पना बनाना। तो सीखा देखा और परखा, उसको खुद के सोच में ढाल के, योर आपका खुद का दिमाग यूज करके, आपको उसमें से क्या सही और गलत लगता है, क्योंकि सब्जेक्टिव आर्ट है ना। आप अगर मेरे जो गुरुजी ने मुझे सिखाया उसमें से कुछ अगर मैं चेंजेस करता हूं, तो इट डजंट मीन कि वो गलत करे, उनकी एक वो कल्पना है, उन्होंने ये सीखा देखा परखा किया हुआ है और अपनी एक विचारधारा फिक्स की है। हो सकता कि मेरी विचारधारा उसमें से थोड़ी अलग भी हो, बट आई नीड टू हैव दैट एक्सपोजर विच आई गॉट, क्योंकि मेरी माँ भी एक जबरदस्त विद्वान थी और मेरे गुरुजी भी एक जबरदस्त विद्वान थे। तो बाहर जाके और घर में दोनों तरीके से मुझे। संजीव जी, आप आगे बढ़ें, इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, उससे पहले बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि कोई एक भजन जो हमारी इस बातचीत में एक नया रंग डाल दे, थोड़ी सी सुरों की, थोड़ी सी स्वरों की और थोड़ी सी रागों की महक जो आ जाए, तो एक कोई भजन आप सुना दें, तो फिर इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। एक हिंदी भजन सुनाता हूं, मेरी खुद की रचनाएं हैं और मेरी काफी सारी बंदिशें या हिंदी और मराठी संत रचनाएं, मेरी वेबसाइट है sanjeevabhyankar.com, उस पर फ्री डाउनलोडेबल है आप सबके लिए, 14 घंटे का मटेरियल है, और ऑफ कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे भी ये सब रचनाएं हैं। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सतसंग बैठ नित, तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे, हरि चर्चा सुन लीजे, हरि चर्चा सुन लीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, ताई के रंग में भीजे, ताई के रंग में भीजे, ताई के रंग में भीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। बातचीत का वो किस्सा अगर नहीं आएगा हमारी आपकी बातचीत में, तो संभवतः बातचीत अधूरी लगेगी। जब जसराज जी ने आपकी तरफ इशारा किया और फिर जब आप गाना शुरू किया आपने, तो फिर आप इतना गाए कि हॉल में तालियां बजने लगी, और फिर जसराज जी ने भी अपनी महानता दिखाई कि वहीं पर उन्होंने उस राग को खत्म किया। क्या था वो किस्सा संजीव, हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। ये जो प्रोग्राम है वो नागपुर में हुआ था 1991 में, और उसकी याद ऐसी है कि उस प्रोग्राम में मैं फर्स्ट टाइम नागपुर में गया था गाने के लिए, तो ऑफ कोर्स टीवी पे तब तक मैं आता था, तो लोगों ने मेरा गाना टीवी पे सुना हुआ था, लेकिन
प्रत्यक्ष रूप में कहीं नहीं, कभी नहीं सुना था। और मेरे सीनियर गुरु भाई उस वक्त गुरुजी को वोकल सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने कहा मुझे कि बेटा पहला राग उनको गाने देना, तुम बाद में शुरू हो जाओ। तो मैं चुप बैठा था, वो मियां मल्हार राग चल रहा था। और ऑलमोस्ट एक घंटा गुरुजी ने गाया और तब तक मैं एकदम बेचैन था, क्योंकि स्टेज पे बैठ के आपको गाना नहीं है ना तो बहुत तकलीफ होती है। सामने बैठ के किसी का सुन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेज पे बैठ के बिना गाए मुश्किल होता है। तो मेरे चेहरे पे शायद वो दिख रहा था कि मैं बहुत बेचैन हूं। तो गुरुजी ने एकदम, जैसे उनकी ताने चल रहे थे फोर्स में, तबले के साथ एकदम भिड़ी हुई अच्छी मियां मल्हार की ताने हो रही थी ऐसे, बरसन लागिरे बरसन लागिरे, तो इसमें बरसन बरसन, ये फोर्स में सब रंग भरा था। और मेरा चेहरा देख के, क्योंकि मैं एकदम से अपसेट था, मैं गा नहीं रहा हूं, तो गुरुजी ने मुझे ऐसे पीछे इशारा किया कि इसके डबल में जाओ। तो मैंने लंबी सांस ली और ऐसे एकदम इतनी लंबी तान, इससे बहुत ज्यादा लंबी, दुगुनी से भी ज्यादा लंबी तान मैंने ली उसमें। और एकदम हॉल ऐसा तालियों से इतना गूंज पड़ा, तो ऐसे क्लाइमैक्स आ गया जैसे उस राग का। तो गुरुजी के मन का बड़प्पन ये था कि उन्होंने उधर खत्म कर दिया, बरे जन लागे बरे जन लागे बरे जन लागे, और इतने खुश थे। स्वरमंडल नीचे रखा और मुझे पीछे ऐसे गले लगाया। तो ये स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिम एज अ म्यूजिशियन, कि स्टेज पे कोई वोकल सपोर्ट करे और उसको इतने प्यार से दाद देना। एक तो गुरु, एज अ गुरु ऑल्सो ये बहुत मुश्किल है, और स्पेशली जिस जमाने से गुरु जी थे उसमें ऐसी दाद देना भी बहुत रेयर था, मैंने तो कहीं नहीं देखा। और इतनी अच्छी तरह से देना तो और भी ज्यादा मुश्किल था। एक मेरी व्यक्तिगत अपनी गुजारिश है, माचिस फिल्म में जो आपकी प्लेबैक सिंगिंग थी, वो विशाल जी के साथ काम करना और उसके बाद उस गाने का कुछ जो आपके दिल के करीब हो। मैंने पहला जो प्लेबैक किया वो फिल्म माचिस के लिए एक आलाप किया था, लता मंगेशकर जी का एक गाना था, तुम गए सब गया, तुम गए सब गया, तुम गए सब गया, जैसे थोड़ा दर्द भरा गाना था। और उसमें बीच में एक भटिया राग का आलाप था जो उसमें उनको सुबह दिखानी थी कि अभी तो पॉजिटिविटी आई है करके। तो मुझे उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे विशाल भारद्वाज जी का फोन आया, ये बात है 95 दिसंबर की। तो मैं बंबई में था, शादी के लिए गया था, मेरे रिलेशन में शादी थी, दूसरे दिन सुबह शादी थी। तो मुझे विशाल जी ने कहा कि संजीव जी मैं आपका गाना बहुत पसंद करता हूं और एक आलाप करना है लता मंगेशकर जी के गाने में, तो कल सुबह रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि विशाल जी मैं तो शादी के लिए आया हूँ, कल सुबह तो मुझे 10:30 तो मुहूर्त है, तो मुझे उधर रहना चाहिए, तो कल परसों कर सकते क्या? उन्होंने कहा नहीं संजीव, उसी के लिए रुक गया है, यहाँ आलाप करने वाले बहुत लोग हैं लेकिन आपके जैसा आलाप मुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे आपसे ही करवाना है। तो मैंने उनको कहा फिर कल सुबह 8 हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ 8 करेंगे, वेस्टर्न आउटडोर्स में करेंगे, 8 करेंगे। लेकिन मैंने कहा मेरी और एक, उन्होंने कहा छोटा सा आलाप है, लेकिन मैंने कहा वो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक प्रॉमिस करें कि उसमें इनले कार्ड में लता मंगेशकर और एंड संजीव अभ्यंकर ऐसा नाम आएगा, तभी मैं आऊंगा इतने सुबह सुबह। तो बोले नहीं नहीं बिल्कुल मेरा प्रॉमिस है, लता मंगेशकर एंड संजीव अभ्यंकर ऐसा नाम आएगा। तो ऐसा आया माचिस के जो कवर में, लता जी के साथ नाम आया मेरा। और ये लोग ऐसे है ना कि हमारे लिए सरस्वती का रूप है लता मंगेशकर, तो उनके साथ जुड़ जाने का एक अजीब मौका मुझे मिला। लेकिन उसके बाद विशाल जी ने मुझे पूछा कि संजीव तुम्हारी आवाज में पिक्चर के गाने भी अच्छे लगेंगे, तुम गाओगे क्या? मैंने कहा क्यों नहीं गाना है। तो संशोधन फिल्म के लिए एकदम राजस्थानी
धरती के फोक गाने मैंने गाए, मारे आंगन लक्ष्मी पधारी रे, हे हे हे, मारे आंगन लक्ष्मी पधारी रे हे। शादी की जो बारात होती है उसका गाना था। तो उन्होंने बाद में मुझे गॉड मदर फिल्म के लिए जो मुझे नेशनल अवार्ड मिला वो गाने के लिए पूछा, सुनो रे भैला, वो मैंने वो यूट्यूब पे है, आप सुन लीजिए उसको। तो वो भी एकदम एक फोक टाइप का गाना है, उसमें जो आवाज का लगाव है वो अलग है। लेकिन इन सब चीजों से बाद में मैंने फिल्म बनारस के लिए भी टाइटल ट्रैक गाया, फिर काफी सारे और भी गाए, मकबूल फिल्म के लिए गाया, कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट भी गाए मैंने। एक किनले का बहुत फेमस आया था एड था, बूंद बूंद तेरी बूंद बूंद में है यकीन, तू जल तू नीर पानी। तो उसमें मुझे एक बात समझ में आया कि फिल्मों में या प्लेबैक जब आप करते हैं, इवन सीरियल्स के टाइटल्स के लिए भी गाया मैंने, महायज्ञ करके आई थी, काफी सारा अलग अलग प्रकार का गाया, कि वहां पे आप दूसरे की कल्पना को सत्य में उतारते हैं। अब उन्होंने जो विजुअलाइज किया होता है संगीतकार ने, तो उसको आप आपके वॉइस डिलीवरी के माध्यम से सत्य में उतारते हैं। और जब मैं ख्याल गाता हूँ, जिसको हम क्लासिकल बोलते हैं, वो ख्याल है एक्चुअली करेक्ट वर्ड, तो ख्याल में मेरी खुद की कल्पना विलास होती है। तो मतलब एज अ क्लासिकल आर्टिस्ट आई नीड टू बी हाईली क्रिएटिव, मेरी खुद को मुझे विजुअलाइज करना पड़ता है और उसको मुझे एग्जैक्टली वैसा डिलीवर करना पड़ता है जो मेरे दिमाग में। और प्लेबैक में क्या आपका लिमिटेड रोल है, आप दूसरी किसी की कल्पना को अंडरस्टैंड करके उसको वो खुद नहीं सत्य में उतार सकते, तो एज अ सिंगर आप उसको न्याय देते हैं। ये दो कंप्लीटली अलग अलग भूमिकाएं हैं। क्लासिकल की भूमिका बहुत वाइड है और प्लेबैक की भूमिका कंपैरेटिवली इसके तुलना में छोटी है। लेकिन गाने हर प्रकार के अपनी जगह पे खुशी ही देते हैं और कुछ सिखाते ही है और आनंद देने का ही काम करते हैं। इट्स ओनली द मैटर ऑफ कि आपका रोल किसमें क्या है।